हाय गाइस, मैं सरफिल सिंह और आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का वेब का एक टॉपिक है क्वेश्चन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पेपर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, हमें केवल प्लेन प्रोग्रेसिव वेब के लिए क्वेश्चन ही आती है तो उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई डेरिवेशन करने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेब क्या है और ये वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, वेव इस टाइप से चल रही है तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये बच्चा क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, इसको क्या पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड। क्या पढ़ते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। इधर क्या बोलते हैं इसको, आयाम। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। बस समझ आ रही। अब ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, किसमें ट्रेवल कर रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। और ये टी टाइम पर ये वेव है ना, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टी। कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम टी स्पेंड होगा। अब इसमें हमें पता है SHS की इक्वेशन क्या होती है, y कर्व a sin ओमेगा t और क्या होता है, माइनस फाइव। क्या होता है, माइनस फाइव। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फाइव। यहाँ पे होता है kx। क्या होता है बच्चा, kx। अब देखिए अगर हम फाइव लिखना चाहे तो फाइव लिख दे रहे हैं, क्या है फाइव। ये क्लास इलेवंथ में भी दिखेगा, ये क्लास इलेवंथ के लिए है, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बच्चा है, एंड नीट के लिए, आईआईटी मींस जे के लिए, आईआईटी के लिए है, एयर फोर्स वगैरह में भी ये पूछा जाता है। तो देखिएगा इक्वेशन क्या होती है हमारे सिस्टम की, सेम इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव की होती है, y इक्वल टू sin ओमेगा t माइनस 5। किसमें, जब कोई पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, इसका प्लेन, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन है ना, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में है तो क्या होता है, ए sin ओमेगा t माइनस 5। और बच्चा ध्यान दीजिएगा, 5 का व्हाट इज 5, जो 5 की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाय लैम्डा। क्या, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स। क्या होती है बच्चा, एक्स। 5 के फेज डिफरेंस, एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। क्या है, पाथ डिफरेंस। ठीक है ना, और इस 2π, इस 2π बाय लैम्डा की वैल्यू k होती है। क्या होती है, kx। क्या बच्चा, kx। तो यहां पर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हमारे पास आई, a sin ओमेगा t माइनस kx। कितना, kx, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पढ़ेंगे। बायकल क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको रख कर दे। अब आप लोग समझिएगा बच्चा, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे ओमेगा के बारे में तो जानते हैं हम लोग, ओमेगा कर्व क्या होता है, 2πf। क्या होता है, 2πf। व्हाट इज एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। एफ क्या बच्चा, फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है ना, आवृत्ति। क्या बोलेंगे इसको, आवृत्ति। ठीक है ना, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का अपोजिट क्या होता है, टाइम पीरियड। क्या होता है बच्चा, टाइम पीरियड। तो ओमेगा कर्व क्या है, 2π/T। और k की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 2π/λ। क्या होती है, 2π/λ। यदि वैल्यू यहां पर हम पुट अप कर देंगे तो एक न्यू इक्वेशन बन के डेवलप हुई, a sin 2π/λ, सॉरी 2π/T। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की, इनटू स्मॉल t माइनस 2π/λ इनटू x। ठीक है ना, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की सेकेंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं इसमें कि 2π दोनों है, 2π कॉमन ले लें। तो हमने 2π कॉमन ले लिया तो y इक्वल आएगा a sin 2π बाय, अच्छा 2π कॉमन लिया, 2π बच्चा कॉमन लिया, 2π कितना आएगा, स्मॉल t अपॉन कैपिटल t,
और माइनस वन अपान लेमडा इंटू एक्स, माइनस वन अपान लेमडा इंटू एक्स। एल बच्चे हम लोग लेमडा का मान लेंगे, क्या का मान लेंगे लेमडा, इसको रफ कर दिया, इसको रफ कर दिया हमने। अब यदि हम लोग लेमडा कॉमन ले लें तो लेमडा कॉमन लिया, समझे क्वेश्चन, लेमडा कॉमन लिया तो y इक्वल आएगा a sin 2 पाई बाय लेमडा, ठीक है ना। अब लेमडा कॉमन लिया, यहाँ पर लेमडा है नहीं है ना, तो लेमडा कॉमन जब भी ले सकते थे होना चाहिए, होने के लिए ऊपर लेमडा से मल्टीप्लाई कराते, नीचे से लेमडा से मल्टीप्लाई कराते, तब लेमडा कॉमन लेंगे तो फिर क्या बचेगा लेमडा, क्या बचेगा तो क्या आएगा लेमडा टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स, बस में लेमडा अपॉन टी क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है लेमडा, क्या वेव लेंथ यानी कि लेंथ है, और हम लोग पता है कि वेलोसिटी वेव इक्वल क्या होता है वेव लेंथ अपॉन टाइम पीरियड, वेग बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय, और डिस्टेंस क्या लैम्डा टाइम टी है, तो इसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी। तो बच्चा हम लोगों ने लिख लिया ए साइन टू पाई बाई लैम्डा इंटू बी टी माइनस एक्स, ये क्या पॉइंट हुआ हमारा एक क्वेश्चन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन से है थर्ड, और ये कब है जब ये प्लस एक्स डायरेक्शन में कोई वेव ट्रेवल कर रहा है, किसमें ट्रेवल कर रही हो प्लस एक्स डायरेक्शन में, बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, नोट करिए। तो बच्चा दिस इज द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन प्लस एक्स डायरेक्शन, यदि ये कह दीजिए माइनस एक्स डायरेक्शन में तब क्या होगा, यदि माइनस एक्स डायरेक्शन में बोल दिया जाए तो इधर को तो ये इधर को वेव जाएगी, किधर जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, वेव कैसे चलेगी ध्यान दीजिएगा, तब वेव ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी इस टाइप से, वेव कैसे ट्रेवल करेगी इस टाइप से ट्रेवल, ठीक है ना। और जब वेव ऐसे चलेगी तो जहाँ पर माइनस है वहाँ क्या जाएगा प्लस, ठीक है ना, ये वेव इज माइनस नेगेटिव डायरेक्शन तब क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, और सेम फार्मूले यही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब यदि मैं फाइंड करना है दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यदि मैं वेलोसिटी फाइंड करना, किसकी ब्लास्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, अब हेडिंग क्या है वेलोसिटी ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यदि हम प्लास्टिक के लिए बात करें बच्चा, और अब हम लोग सीधा प्लस एक्स डायरेक्शन के लिए पॉइंट कर लें प्लास्टिक या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो बच्चा ये हम लोगों ने वेव बनाई है दिस इज द वेव, ठीक है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन किस में जा रही है ट्रेवल कर रही है प्लस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो हम पहले इक्वेशन आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है बच्चा, वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के टू पाई बाय कैपिटल टी, फिर टू पाई कितना टू पाई बाय लैम्डा, टू पाई बाय लैम्डा लड़ पा ले रहे, और वी टी माइनस एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में ले रहा है, ठीक है ना, बी टी माइनस एक्स। तो बच्चा हम लोग पता है कि यदि डिस्प्लेसमेंट दिया गया वाई क्या है डिस्टेंस है, ठीक है ना, यदि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन कर दें तो मैं क्या फाइंड होगा वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी कि विस्थापन का यदि हम टी के रिस्पेक्ट में टी के सापेक्ष अवकलन कर दें, टी के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वेग प्राप्त, क्या प्राप्त होगा वेग, तो डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या dy / dt, dy / dt आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग इसके इनसाइड में कराएंगे और साथ में 2π / λ लिखा हुआ है, एक कांस्टेंट है
टू पाई बाई अपॉन लैम्डा कांस्टेंट है, टी का मान क्या बचेगा, बी बचेगा, क्या बचेगा बी, तो ए टू पाई बी अपॉन लैम्डा। अब एक्स का जीरो जाएगा तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, और साइन का क्या होता है कास, तथा बच्चा कास टू पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ठीक है ना। तो दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गया हमारे पास ए टू ए पाई, ऐसे लिखते टू ए पाई अपॉन लैम्डा इनटू बी, और कास टू पाई बाई लैम्डा बी टी माइनस एक्स, दिस इज द वेलोसिटी। ये क्या पॉइंट हुआ हमारे पास, वेलोसिटी। अब देखिएगा यदि हम कास की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चा, वन होती है, कास की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन, तो कास की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो कास की मैक्सिमम वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू इक्वल वन, कितनी होती है वन, और जब कास की मैक्सिमम वैल्यू वन होगी तो यू मैक्स कितना जाएगा हमारे पास, अगर यू मैक्सिमम फाइंड करें तो टू ए पाई बी, टू ए पाई बी अपॉन लैम्डा, क्या फाइंड होगा टू ए पाई बी अपॉन लैम्डा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, नोट करिए। तो ना बच्चा बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।